देश के शहंशाह आलम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए। क्या नए संसद भवन घोटाले में मोदी सरकार का बड़ा हाथ है? और क्या नए संसद भवन घोटाले में अगर मोदी सरकार का बड़ा हाथ है तो फिर क्या माना जाए आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SBI 9 न्यूज़ और आप तमाम दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं नए संसद भवन को लेकर। देखिए, नई संसद भवन बनकर तैयार है और मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है। इस मानसून सत्र में हम देख रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर बहस जारी है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर हर तरफ चर्चा जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस नई संसद भवन में ये चर्चा हो रही है, उस संसद भवन को बनाने में जो पैसा सरकार ने लगाया है, उस संसद भवन को बनाने में जो सरकार ने जिस तरीके की मैं अगर बात करूं राशि का इस्तेमाल किया गया, जो पैसा होता है वो पैसा अनलिमिटेड पैसा इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये पैसा जनता का पैसा था। और इस नई संसद भवन को बनाने में लाख रुपए हजार रुपए खर्चा नहीं हुआ है, करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि नए संसद भवन बनाने में अगर करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है तो फिर क्या सीधे सीधे तौर पर ये माना जाए, फिर क्या सीधे सीधे तौर पर ये बताया जाए कि शायद आने वाले समय के अंदर जो मुश्किलें हैं वो अब कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती नजर आएंगे। नए संसद भवन को बनाने में जो पैसा खर्चा हुआ है वो पैसा जनता का पैसा है। और सवाल तो यही खड़ा किया जा रहा है, अगर इन पैसों का इस्तेमाल सरकार जो है वो रोज़गार के लिए करती, शिक्षा के लिए करती, स्वास्थ्य के लिए करती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की हम देख रहे हैं, जो हालात इस वक्त के हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि जो नया संसद भवन का घोटाला है या जो नए संसद भवन घोटाले की हम बात कर रहे हैं, क्या ये जाहिर तौर पर नहीं बताता, क्या ये साफ तौर पर नहीं बताता कि इस घोटाले में वाकई बहुत बड़ा जो हाथ है वो हाथ सरकार का है। इस संसद भवन घोटाले में सरकार की अगर मैं बात करूं तो बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, जो नया संसद भवन घोटाला है, इस घोटाले में कैसे सरकार जो है वो बुरी तरीके से फंसती नज़र आ रही है। और इस संसद भवन घोटाले की क्या आँच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंच रही है? अभी तक जो जांच है वो विपक्ष की खूब हो रही थी, लेकिन अब जांच का विषय ये नहीं है कि जिस नई संसद भवन में बैठा जा रहा है उसमें जो पैसा लगा है सरकार ने, इतना पैसा यहाँ लगाने के बजाय देश के लिए लगाया होता तो क्या बेहतर नहीं होता? संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। देश के शहंशाह आलम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री
160,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की कार। 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है, एक नहीं कई कारें 12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था भी तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये 12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर्ड नहीं है, कलर्ड फोटो देख लीजिएगा, एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है सर, असल में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो, 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया, सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पर जेपीसी बनाओ, सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया, भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदाने क्यों दे दी गई, सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही है, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त की बन रही हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर मुश्किलें अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ने वाली हैं, और अगर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तो क्या वाकई बहुत बड़ा बदलाव जो है अब कहीं ना कहीं जो वो होता नजर आएगा, और सरकार के खिलाफ भी क्या जाँच एजेंसियाँ बैठेंगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लेता ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।